हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस शेयर के बारे में। लगभग कुछ ना कुछ तो परसेंट में आपका रिकवर हो गया होगा। गिरावट जो हुई थी, आपका लॉस हुआ था, वो लॉस इस शेयर ने रिकवर करवा दिया होगा। आज की बात करता हूँ मैं, आज इस शेयर ने लगभग 10 रुपये के आसपास का जंप आज इस शेयर ने दिया है, मतलब रिटर्न आपको दिया है। तो अब क्या करना चाहिए आपको? देखो, आज की बात को 177 के आसपास की ओपनिंग थी, हाई बनाया 191 के आसपास का। और जो अगर मैं 50 रुपये की बात करूँगा, 234 रुपीज़ के आसपास का हाई है और रेंज डाउन है 91 रुपीज़ के आसपास की। तो अब क्या करना चाहिए आपको? देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हो एक बार, तो एक बार इसके बाद रिसर्च कर ले, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करें। आप थोड़ा बाद मार्केट के मार्केट फंड की बात कर ले अब इसमें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा मौका अच्छा मिल सकता है। देखो, सेल हो रहा है, अब मतलब बिल्कुल 100% लोग सेल कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, स्टॉक अपनी रेंज से काफ़ी डाउन आ गया था बीच बीच में, तो लोगों को ये लग रहा है कि ये शेयर और भी नीचे आ सकता है, यहाँ से ऐसा बन सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है, गिरावट हो सकती है। लेकिन आपको दोस्तों इग्नोर करना है इसको, क्योंकि आपको अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, करना है आपको, तो एक बार बोलूँ मैं आपको, आने वाले लॉन्ग टाइम के लिए इसमें एंट्री को लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, शॉर्ट टाइम के लिए आप मत करो। क्योंकि लॉन्ग टाइम में आपको ये शेयर कम से कम इजिली, कम से कम बोल रहा हूँ आपको, लॉन्ग टर्म 500 रुपये की प्राइस आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए समय लगेगा इसमें। अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल आप इसको होल्ड करो, अगर समय नहीं है आपके पास तो आप एग्जिट कर सकते हो। आज की बात करूँ प्राइस वॉल्यूम की, तो आज लगभग ना केवल वॉल्यूम हो रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों कम अच्छा खासा परफॉर्मेंस शेयर कर रहा है। आज की बात करूँ 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ है, 1 करोड़ के आसपास का था इससे पहले का, मतलब परफॉर्मेंस कर रहा है शेयर, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट में गिरावट आपको देखने को इसमें मिलती है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट कर सकते हो आप।